स्पेलिंग फॉर एग्जाम्स। माई स्पेलिंग वॉज वेरी पुअर, मेरा स्पेलिंग बहुत खराब था जब स्टूडेंट थे तो, पर हैप्स इट इज स्टिल पुअर, लगता है अभी तक मेरा स्पेलिंग खराब ही है। येट आई वॉज अ टॉपर इन माई इंग्लिश ऑनर्स बैच, फिर भी हम इंग्लिश ऑनर्स बैच में टॉपर थे। अब कैसे, हाउ डिड आई मैनेज माई पुअर स्पेलिंग, तो खराब स्पेलिंग के बावजूद मेरा अच्छा रिजल्ट कैसे हुआ। देखिए, द बुक 6 मिनट्स अ डे टू परफेक्ट स्पेलिंग हेल्प मी, ये किताब हमको संजोग से पढ़े हम, 6 मिनट्स टू डे टू परफेक्ट स्पेलिंग, इससे हमको बहुत फायदा हुआ। बट आई यूज माई कॉमन सेंस, लेकिन अपना अकल भी लगाया। अब हम देखिए कितने कैसे हम क्या क्या किए। आई मेड अ लिस्ट ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड दैट आई वुड यूज इन द एग्जाम, तो एग्जामिनेशन में जो सब शब्द हम लिखते हैं उसका हम लिस्ट बनाए, भारी भारी शब्द जो हम इससे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कुछ, क्रिस्टोफर मार्लो, तो ये शब्द उनको डिफिकल्ट लगता था, ओके। फिर दूसरा है रॉबर्ट ब्राउनिंग, पोएट का राइटर का नाम तो आपको सब बहुत भारी भारी नाम होता है, रॉबर्ट ब्राउनिंग। बुजम फ्रेंड, इसमें भी हमको डाउट होता था, बुजम फ्रेंड। लाइटनिंग, वज्र जो होता है, लाइटनिंग, थंडर, लाइटनिंग, इसमें गड़बड़। जाक्स डेरिडा, इसमें भी दिक्कत, तो इसका लिस्ट बनाए। सेकंड स्टेप हम क्या किए, राइट द वर्ड्स इन L1, L1 होता है ना प्रथम भाषा, जो बचपन में भाषा सीखते हैं उसको कहते हैं L1, तो जो भाषा बचपन में सीखते हैं उसको कहते हैं L1। लैंग्वेज 1, माई L1 इज हिंदी, हम बचपन में हिंदी से सीखे। सो आई राइट, हम क्या किए, क्रिस्टोफर मार्लो, जो सब भारी भारी शब्द है उसको हिंदी में लिखे या बंगला में उर्दू में जिसमें लिखे लिखिए उसको, क्रिस्टोफर मार्लो। रॉबर्ट ब्राउनिंग, ठीक है, बुजम फ्रेंड, लाइटनिंग, जाक्स डेरिडा, अब हिंदी में लिख लिए आप या उर्दू या बंगला में जो लिखे, अब इसको देखकर आप स्पेलिंग लिखिए। हम स्पेलिंग उसको देख के लिखे तो देखिए क्या क्या हुआ, राइट द वर्ड्स इन इंग्लिश, हम अंग्रेजी में लिखने लगे तो क्या हो गया, क्रिस्टोफर तो ठीक लिखे, मार्लो में ई मेरा छूट गया, तो ये मेरा वीक पॉइंट है, उसको हम नोट कर लिए, ई मेरा वीक पॉइंट है, ई मार्लो छूट गया। रॉबर्ट ब्राउनिंग में क्या किया, डबल एंड दे दिए, ये मेरा डिलीट होगा, यहाँ इसको कर दिया। अच्छा, बुजम फ्रेंड में हम ठीक मारे क्योंकि हमको पहले से रहता था, दो होता है वो बुजम फ्रेंड, ठीक है। लाइटनिंग भी ठीक मार दिए, अब देखिए जाक्स में क्या गलती करती, JACQS मेरा छूट गया और डेरिडा में सिंगल डी है, तो ये सब मिस्टेक। अब हम क्या करते, जो सब गलती किए वो मिस्टेक हम हाईलाइट किए, चेक स्पेलिंग एंड नोट डाउन योर एरर्स। देखिए मार्लो ई, ये बड़की ई कर दिए, मेरा मिस हुआ था। ब्राउनिंग में हम डबल एम के एक के ना यहाँ पर, ब्राउनिंग एन किए। जाक्स में एस छूट गया, एस बड़ी किए। डेरिडा में सिंगल डी है, डी किए। अब पेज 4 में मारे हैं, अब देखिए क्या चीज़ है, नई बात क्या है, ठीक है। निमोनिक्स, देखिए निमोनिक्स क्या होता है, मेमोरी एड, याद करने में मदद करता है, और इसमें भी हम स्पेलिंग मिस्टेक किए, उसको बोलते हैं निमोनिक्स, लिखते हैं एम निमोनिक्स, ठीक है, जो याद करने में मदद करें। फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे बुजम फ्रेंड है, अब बुजम है तो यहाँ पर एक तो छाती में ये होता है, यहाँ पर एक तो छाती, तो दो हो गया BOSOM। अब हम बुजम में कभी गलती नहीं करेंगे, BOSO डबल ओ दो ठो जो जगह यहाँ पर, ये फोटो के माध्यम से गया था बुजम दो। अब देखिए दूसरा निमोनिक्स, यहाँ हेल्प करने में मदद करता है। सर्वेंट, बहुत बार सर्वेंट हम ई कर देते हैं, लेकिन सर्वेंट को ऐसे याद रखना है, सर्वेंट, देर इज एन एंट ऑन द हेड ऑफ द सर्वेंट, नौकर के माथे पर एक चींटी है, एंट, तो सर्वेंट में ए होगा पक्का एकदम, सर्वेंट ए होता है, एंट, ये आता है देखिए। और निमोनिक्स में क्या है, निमोनिक्स तो लिखते हैं एम से, लेकिन बोलते हैं निमोनिक, बोलने में एम साइलेंट है, स्पेलिंग में एम लिखना है, उसको याद रखना, बोलने में क्या है, एम साइलेंट है, लिखने में लिखना है। PTO पेज 5 में आ गए, हाँ देखिए वो क्या बात है, डिक्शनरी के हर शब्द का स्पेलिंग जानना संभव नहीं, मोटी मोटी डिक्शनरी होती है उसका हर समझ, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर द स्पेलिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स ऑफ अ फैट डिक्शनरी, मोटी डिक्शनरी है, हजारों लाखों शब्द है, सबका स्पेलिंग जानना जरूरी नहीं है, बट यू मस्ट रिमेंबर द स्पेलिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स दैट यू यूज इन एट एग्जामिनेशन, लेकिन परीक्षा में जितने शब्द का यूज़ कीजिएगा उस सबों का स्पेलिंग आपको जानना ही है, इसमें कोई विकल्प नहीं है, परीक्षा में जिन शब्दों का प्रयोग करें उनका स्पेलिंग तो जानना आवश्यक है, और गलती कीजिएगा नंबर कटेगा। एक शब्द को कई बार लिख कर भी स्पेलिंग याद कर सकते हैं, पुराना तरीका है एक शब्द को 5 बार 10 बार 20 बार 100 100 बार लिख करके याद करते, ये भी आप अपना सकते, जो तरीका आपको सूट करे उसको अपनाइए, लेकिन स्पेलिंग को कैप्चर कीजिए। यू कैन लर्न द स्पेलिंग बाय राइटिंग अ वर्ड मेनी टाइम्स, फॉर एग्जाम्पल निमोनिक निमोनिक निमोनिक
निमोनिक निमोनिक एम लगाकर बोलेंगे नहीं एन, तो इंग्लिश में ही दिक्कत है ना, बोलते हैं कुछ स्पेलिंग होता है कुछ, कोई कठिन काम है लेकिन आपको रटना है। अब हम पेज 6 में आ गए। अब देखिए गाना गाकर भी स्पेलिंग याद कर सकते हैं, ठीक है जानू, गाना का जैसे जो गाना मन लगता है, जैसे जाक्स डेरिडा, जाक्स ये जाक्स डेरिडा, जाक्स डेरिडा, सारे नहीं सारे ग दे देरिडा, सारे ग देरिडा, समझे, कोई तरीका आपको कोई भी आप तरीका अपनाइए लेकिन उसको स्पेलिंग आपको कैप्चर करना है। स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक नहीं हो रहने पर कोई भी एग्जामिनर आपका मार्क्स नहीं काटेगा, आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ग्रामर मिस्टेक नहीं, आपका नंबर कहाँ कटेगा, कहीं नहीं कटेगा। आंसर के हर पेज में किताब का नाम, पोएम, ड्रामा, उपन्यास का नाम दें, आपका मॉडल आंसर अगले में भेजेंगे, छोटा छोटा कोटेशन दें हर पेज में, स्पेलिंग मिस्टेक नॉट एट ऑल, स्पेलिंग मिस्टेक तो करना ही नहीं, एक भी नहीं, दैट्स ऑल, थैंक यू।